प्रिय मित्रों, जय कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं गोमेद के बारे में। गोमेद अच्छा भी है और बुरा भी है, इसलिए पहनने से पहले आप कुछ तो का ध्यान जरूर रखें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रत्येक बात को आप ध्यान से सुने। राहु एक छाया ग्रह है, इसका अपना अस्तित्व नहीं है। यह जिस भाव राशि नक्षत्र या ग्रह के साथ से जुड़ जाता है उसके अनुसार ही अपना फल देने लगता है। राहु जब नीच या अशुभ होकर प्रतिकूल फल देने लगता है तो ज्योतिष के जानकार लोग गोमेद पहनने का सुझाव देते हैं। गोमेद राहु का रतन, इससे पहनने से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं, इसलिए गोमेद पहनने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। गोमेद के और नाम भी हैं, गोमेद, गोमेदक, तपोमणि, पिग, स्पिक्टिक, जटकुनिया आदि। गोमेद अपारदर्शक तथा पारवासक अपारदर्शक पत्थर है, जो दूर से स्वच्छ गोमूत्र अथवा अंगार के समान रंग का हो, वजनी कड़कदार हो, जिसमें परत न हो, छूने पर कोमल और चमकदार हो, वह उत्तम जाति का गोमेद माना जाता है। गोमेद को तीन भागों में विभाजित किया गया है। उच्च वर्ग जो गोमेद स्वच्छ पारदर्शक गोमूत्र के समान पीलापन लिए लाल रंग का बराबर कोण वाला चमकीला चिकना सुंदर हो, उसे उच्च वर्ग का गोमेद कहा जाता है। और मध्यम वर्ग की बात करें तो ऐसा गोमेद बुरापन लिए हुए लाल रंग का होता है। निम्न वर्ग की बात करें तो जो गोमेद खुदरापन लिए हुए पारदर्शी छाया रहित छीटों से युक्त पीले कांच के समान दिखाई देने वाला हो वह निम्न वर्ग का गोमेद कहलाता है। दोष युक्त गोमेद धारण करने की हानि, यदि गोमेद में किसी प्रकार का दबाव हो तो उसका धारण करने के लिए आकस्मिक मृत्यु का भय बना रहता है। अगर गोमेद में लाल रंग के छीटे दिखाई दें तो आर्थिक नुकसान कराता है, पेट की समस्याएँ उत्पन्न करता है। यदि गोमेद में किसी प्रकार का गड्ढा दिखाई दे रहा है तो वह पुत्र व्यापार को हानि पहुंचाता है। यदि गोमेद में चीरा या क्रोश हो तो वह शरीर में रक्त संबंधी विकार उत्पन्न करता है। अक्सर गोमेद किसी प्रकार की कोई चमक न हो तो शरीर को लकवा भी करता है। इसके अलावा प्रशिक्षण कैसे करें इस बात का, तो गोमेद को गौमूत्र में 24 घंटे के लिए रख दें तो गौमूत्र का रंग बदल जाएगा, ऐसा गोमेद अच्छा माना जाता है। असली गोमेद को लकड़ी के बुरादे में रगड़ेंगे तो उसकी चमक घट जाएगी। इसे धारण करने के लाभ के बारे में बात करें, जब व्यक्ति के बनते हुए कार्य में बाधाएं आने लगे, भूत प्रेत का भय हो, किसी ने काम को बांध दिया हो या फिर अचानक व्यवसाय में हानि हो रही हो तो गोमेद धारण करने से लाभ मिलता है। यदि किसी के पास धन रुकता ना हो, गोमेद धारण करने का लाभ मिलता है। पति पत्नी में आपसी तनाव रहता हो, तलाक तक की नौबत आ जाए तो गोमेद पहनने से रिश्ते फिर से मधुर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का दिल परेशान रहता है, घर में दिल नहीं लगता है, उखड़ा उखड़ा रहता है, गोमेद में उसे अवश्य धारण करना चाहिए। गोमेद किसे धारण करना चाहिए तो आपको बताऊं जानकारी के लिए, तो जिन व्यक्तियों की राशि अथवा लगन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ हो उन्हें गोमेद धारण करना चाहिए। यदि राहु जन्म कुंडली के केंद्र में 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भाव में हो या फिर 5वें 9वें भाव में हो तो गोमेद पहनने से लाभ होता है। राजनीति में सफलता हासिल करने वाले लोग गोमेद दान करने से विशेष लाभ होता है। गोमेद किसे दान करना चाहिए, जिन व्यक्तियों की राशि अथवा लगन जो अभी मैं बताकर गया आपको, मिथुन, कन्या, वृषभ, कुंभ हो तो उन्हें गोमेद दान करना चाहिए। राजनीति में सफलता हासिल करने वाले लोगों को गोमेद दान करने से विशेष लाभ होता है। यदि राहु दित्य एकादश भाव में हो तो गोमेद पहनने से लाभ होगा, किंतु यदि राहु 6ठे 8वें 12वें भाव में हो तो गोमेद सोच समझ कर पहने, अन्यथा हानि हो सकती है। गोमेद धारण करने की विधि के बारे में बात करें तो शनिवार के दिन अष्ट धातु या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सौर सुपचाकर पूजन के बाद नियमन ओम रावे रव नमः मंत्र की कम से कम एक माला जाप करके मध्यम अंगुली में धारण करना चाहिए, तो इससे भी जो सारी दिक्कतें परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। धीरे धीरे जितने मतलब फ़ायदे गोमेद के जो वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके जो बिगड़े हुए कार्य थे वो सुधरने लगेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। आप काफ़ी समय से किसी चीज़ के बारे में मतलब परेशान थे, कार्य नहीं बन रहा है, तो इसमें गोमेद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बस इसे पहनने की विधि विधान जो सब मैंने आपको बताए वो आप सही तरीके से करें तो सब कुछ आपके लिए गोमेद मंगल करेगा।
इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, रंग रतन अंग को लेकर, ग्रह कलह से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन भाग्यशाली हो, शुभ हो।